से कई मांगों को पूरा किया गया है पैमाइश करा के, और एक रास्ते की जो मुख्य मांग है उसमें क्योंकि बरसात बीच बीच में आ रही है तो काम वहाँ चल रहा है, कभी बीच में रुक जाता है तो बरसात का कुछ पता नहीं है। तो 15 दिन का टाइम आप लोग दीजिए, आपका रास्ता पूरा मिट्टी रस्सी लगा के पड़ जाएगा और खड़ंजा भी पड़ेगा उस पर। जैसे जैसे व्यवस्था होती रहेगी व्यक्तिगत रूप से या सरकारी निधि से उसको पूरा करा दिया जाएगा। इसके साथ ये अनुरोध है कि आप लोग जो यहाँ पे अनशन है इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसको ख़त्म करें। और मैं यहाँ हाँ ट्रांसफ़र तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि देखिए बार बार धरना की वजह से खिन्नता हो जाती है, तो ट्रांसफ़र हम कर देंगे। आप लोग अपना ये जो धरना है इसको इस अनुरोध को स्वीकार करके ख़त्म करने का कष्ट करें। थैंक यू। पिछली बात छोड़ो तो 15 दिन में बनेगा, बनेगा खत्म हो जाएगा। आप देखो बारिश आएगी वो तो उसके हाथ में ली गई है कि अपने इसमें वो ना। आप उसको जितना अध्यक्ष जी इसमें जो है जल्दी खराब आएंगे तो बारिश के मौसम तो पहले हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। विश्वास कीजिए इनकी दुआओं में सर, अब अगर आप कुछ तो इनकी दुआओं के पिछले साल गन्ने की छिलाई करी थी, 20,000 रुपया है थाने में तहरीर दी हुई है उनके खिलाफ। भाई हैं जो रास्ता बनने से रोक रहे हैं, भाई कोई कार्रवाई नहीं। हमारी एक कार्यकर्ता है घर से गाय खोल ले गया, गाय खोल ले गया, तहरीर दी हुई कोई गाय उनके घर जाके अभी भी आई है धरने प्रदर्शन के टाइम नहीं हो जाएगा। आप चलो ठीक, अच्छा यहाँ पे स्थिति नहीं बिगड़ रही है, यहाँ पे इस बार रविंदर भाटी कह रहे हैं कि अब इस बार आके हमें बैठना पड़ेगा। रविंदर भाई यहाँ स्थिति ये नहीं है, ये है कि मैं या आप वहाँ पे नहीं होंगे। और वो शुरू से मुझे इस बात की एंट है, तब मुझे पैसा आया तब मैंने आंदोलन लगाया, हमने तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी। मैं चाहता हूँ कमजोर जो व्यक्ति आपके पास आए तो उस पर तो आपको तो आपकी दृष्टि ज्यादा रहनी चाहिए। कोई ताकतवर आए तो चलो उसकी गाय भाग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इनकी चली जाएगी तो सब कहाँ से चलेगा। घर पे खोल के ले गया, आज हम घर की तो आपके सामने कह रही है 20,000 रुपए तो दिए नहीं, ऊपर से गाय खोल ले गए। ऐसा किसी की गाय बाधो हिम्मत जो छोड़ दे अपना ले जाए, उसने गाय छोड़ दिया इन्होंने।